हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई टारगेट पॉइंट। मैं माही सैनी। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि 30 एमसीक्यूज हैं और ये एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में 1 से 2 बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 10 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और ये जितने भी अदर नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हर क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें से सिलेक्टिव है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन देखने हैं, पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लैफ्ट लॉफलर बेजिलस इज द नेम ऑफ। इनमें से कौन सी डिजीज को हम क्लैफ्ट लॉफलर बेजिलस भी कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, साल्मोनेला टाइफाई, कॉर्नाई बैक्टीरियम डिप्थीरिया या मेनिंजोकोकाई। करेक्ट आंसर है सी, कॉर्नाई बैक्टीरियम डिप्थीरिया को हम क्लैफ्ट लॉफलर बेजिलाई के नाम से भी जानते हैं। इसका हम देख लेते हैं, कॉर्नाई बैक्टीरिया डिप्थीरियाई इज द पैथोजेनिक बैक्टीरियम दैट कॉज डिप्थीरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लैफ्ट लॉफलर बेजिलाई। से हम क्लैफ्ट लॉफलर बेजिलाई भी कहते हैं, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1884 बाय जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट एडविन क्लैफ। इसको एडविन क्लैफ ने डिस्कवर किया था 1884 में, इसलिए इसे क्लैफ्ट लॉफलर बेजिलाई भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया से होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन में टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन डिस्पिनिया। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द क्रेनियल नर्व विच रेगुलेट हार्ट रेट। इसमें से कौन सी क्रेनियल नर्व है जो हार्ट रेट को रेगुलेट करती है? 12th क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व, 9th या 10th। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 10th। 10th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वेगस नर्व होती है, जो मीडिएट इंपॉर्टेंट हेमोस्टेटिक रिफ्लेक्स सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रिस्पायरेशन उनको मेंटेन करती है, ठीक है, रेगुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड। जो स्पोकन वर्ड है उसको समझ ना पाना, अंडरस्टैंड नहीं कर पाना और इन एबिलिटी टू स्पीक और बोल ना पाना, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन में एग्नोसिया, अप्रेक्सिया, एफेजिया या इंसोमेनिया। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एग्नोसिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू इंटरप्ट सेंसेशन, सेंसेशन को इंटरप्ट नहीं कर पाना, इनेबल होना सेंसेशन में। और एप्रेक्सिया होता है मोटर डिसऑर्डर, इंसोमेनिया होता है स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब वन साइड से कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वन वे है? ये एम्स रायपुर 2018 में क्वेश्चन आया था। इसमें ऑप्शन में क्लास लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप। इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो वन वे है कम्युनिकेशन का? इसका करेक्ट आंसर है ए, क्लास लेक्चर। क्लास लेक्चर में ओनली टीचर लेक्चर देता है, ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। इसमें से कौन सी ब्लड प्रेशर की रिपोर्टिंग हमें क्या करनी है? इमीडिएटली रिपोर्ट करना है फिजिशियन को, अगर बीपी कितना हो तो। ऑप्शन है 130/98 mmHg, 140/88 mmHg या 110/70 mmHg, 138/38 mmHg। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। क्यों होगा? क्योंकि डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो एक्यूरेट हमें क्या देता है? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। करेक्ट आंसर ए होगा इसका, ठीक है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ए नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल एडल्ट में सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं? 11, 9, 5 या 7। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, ठीक है। 7 वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा नॉर्मल एडल्ट में। और थोरेसिक कितनी होती हैं? 12 होती हैं। लंबर कितनी होती है? 5 होती हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टिलाइज्ड बाय। किसके द्वारा हमें शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं नुकीले इंस्ट्रूमेंट हमें किसमें स्टिलाइज नहीं करने हैं? किसके द्वारा? कूलिंग के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा, हॉट एयर ओवन के द्वारा या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी,
क्यों नहीं करते हम बॉयलिंग में शार्प इंस्ट्रूमेंट क्यों स्टिलाइज नहीं करते हैं? क्योंकि उसके द्वारा जो उसकी शार्पनेस होती है वो टेस्टर हो जाती है, ठीक है, वो शार्प नहीं रहते हैं। फिर वॉट इज़ द प्रायोरिटी नीड द मस्ट इंक्लूड इन द केस ऑफ चाइल्ड हु इज हैविंग निमोनिया। इसमें हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर हम निमोनिया के पेशेंट चाइल्ड को केयर दे रहे हैं? रेस्ट, रिस्पायरेटरी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन या ट्राइसाइकिल राइडिंग? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रेस्ट। क्या रहती है हमारी? रेस्ट देना, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। रेस्ट क्या रहती है हमारी? प्रायोरिटी रहती है अगर निमोनिया का चाइल्ड पेशेंट है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एडिमा इज ए साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर? इसमें से कौन सा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जिसका एडिमा साइन होता है? ये एम्स भोपाल 2018 में क्वेश्चन आया था। क्वाशिरोकर, मरसमर, अंडरवेट या न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सॉरी ये क्वाशिरोकर है। यहाँ पे क्वाशिरोकर ऑल्सो नोन एज एडिमिटस माल न्यूट्रिशन बिकॉज इट इज़ एसोसिएट विथ एडिमा। इसमें क्या होता है? एडिमा हो जाता है, इसलिए इसे हम एडिमिटस न्यूट्रिशनल भी कहते हैं, ठीक है। फ्लूड रिटेंशन, यहाँ क्या हो जाता है? फ्लूड कलेक्ट हो जाता है इस माल इसमें क्वाशिरोकर में, एंड इट्स अकर ड्यू टू प्रोटीन डिफिशेंसी। ये क्यों होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कम्प्रोमाइज इन ए न्यू बॉर्न बेबी विथ क्लेफ्ट लिप? हमें क्लेफ्ट लिप में बेबी को कौन सी एक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कौन सी मतलब एक्टिविटी करने में उसे प्रॉब्लम आएगी? शकिंग, स्वॉलोइंग, रिस्पायरेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शकिंग। क्या होगी? इसे शक करने में, अगर वो मदर से ब्रेस्ट में ब्रेस्ट शक कर रहा है मिल्क पीने के लिए तो भी उसे क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। किसमें? क्लेफ्ट लिप में, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्वॉलोइंग किसमें प्रॉब्लम दिखेगी? कॉम्प्रोमाइज इन बेबी विथ क्लेफ्ट पैलेट में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मेन रीज़न फॉर अंडर 5 मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी? मेन रीज़न क्या है अंडर 5 मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी का? माल न्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज, एस्पेक्सिया या ल्यूकेमिया? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डायरियल डिजीज। डायरियल डिजीज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया। क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है डायरियल डिजीज़, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट इन इंडिया। एंड माल न्यूट्रिशन इज़ द फैक्टर विच इज़ मेकिंग चिल्ड्रन मोर वल्नरेबल टू अदर डिजीज। अदर डिजीज़ के लिए क्या है? माल न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स प्राइमरी कैन बी ट्रांसमिट थ्रू मिल्क? इसमें से कौन सा एनिमल का इन्फेक्शन है जो मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट होता है? ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, प्लेग्यू या लेप्टोस्पायरोसिस? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन विच ट्रांसमिट वेयर मिल्क इन टीवी। और डेंगू क्या होता है? स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो के कारण होता है। किसके कारण होता है? एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो विच इज कॉज बाय वायरस, जो कि क्या है? वायरस है। और प्लेग्यू क्या होता है? इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय यर्निस पेस्टिस। ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? फ्लीज के द्वारा होता है, ठीक है। मुख्य कारण लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है? इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्प्रेड विया यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। जो लेप्टोस्पायरोसिस होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूरिन के थ्रू होता है और इन्फेक्टेड एनिमल्स के यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट? इसमें से कौन सी फर्स्ट रेफरल यूनिट है इंडिया में? सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या रीजनल हॉस्पिटल? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। एज पर RCS फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है हमारी? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है विच हैज़ द फैसिलिटी। इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में? सर्जरी की होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थीसिया और मल्टी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, इसलिए ये क्या है? फर्स्ट रेफरल यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 15, ए पेशेंट विथ हार्ट फेलियर इज ऑन डायरेटिक्स विच इज़ द एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ सच पेशेंट हेल्थ स्टेटस? एक पेशेंट है जिसे क्या है हार्ट फेलियर की कंडीशन है और उसे हम क्या दे रहे हैं? डायरेटिक्स दे रहे हैं। ऑन डायरेटिक्स पे विच इज़ द एक्यूरेट इंडिकेटर
इसमें से कौन सा इंडिकेटर एक्यूरेट होगा जो हमें हेल्थ स्टेटस के बारे में एक्यूरेट बताएगा? वाइटल साइन, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्लूड इंटेक एंड आउटपुट वेट। किसके थ्रू हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी? करेक्ट आंसर है इसका डी। हम उसे क्या करना है, हमें वेट चेक करना है। वेट के थ्रू हमें क्या मिलेगी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इज, वर्टिगो क्या होता है, चक्कर आते हैं पेशेंट को, ये किसकी प्रॉब्लम की वजह से होता है? एक्सटर्नल ईयर में प्रॉब्लम हो जाए तो होगा, टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन की, इनर ईयर की या मिडल ईयर की? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इनर ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें वर्टिगो देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इज, हर्निया की सर्जिकल रिपेयर करना क्या कहलाता है? ये देखिए हर्निया का यहाँ डायग्राम शो हो रहा है। हर्निया की रिपेयर, सर्जिकल रिपेयर करना क्या कहलाता है? फिस्टुलेक्टॉमी, हर्नियोग्राफी या हर्नियेक्टॉमी या लेप्रोस्कोपी? इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, हर्नियोग्राफी क्या कहलाता है? सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन बहुत। क्वेश्चन नंबर 18। बैरल चेस्ट सीन इन, बैरल चेस्ट किसमें देखने को मिलते हैं? निमोनिया में, रिकेट्स में, टाइफोस्क्लियोसिस में या एम्फाइसेमा में? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सॉरी। बैरल चेस्ट देखने को मिलते हैं हमें किसमें? एम्फाइसेमा में। एम्फाइसेमा क्या होता है? इज ए टाइप ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी डिजीज होती है जिसमें द एयर सैक इन द लंग्स, जो लंग्स की सैक होती है उसमें क्या हो जाती है, एयर का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव कर्निंग साइन इज ऑब्जर्व इन, पॉजिटिव कर्निंग साइन हमें किस में देखने को मिलता है? कोलियोसिस्टाइटिस में, नेफ्राइटिस में, मेनिनजाइटिस में या अपेंडिसाइटिस में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मेनिनजाइटिस में हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव कर्निंग साइन। ठीक है, कि पॉजिटिव कर्निंग साइन का मीन्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस फ्रैक्चर रेफर टू फ्रैक्चर ऑफ, पुलिस फ्रैक्चर कि मतलब कहाँ फ्रैक्चर हो जाता है जिसे हम पुलिस फ्रैक्चर कहते हैं? अल्ना में, ह्यूमरस में, रेडियस में या ओलेक्ट्रेनल में? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रेडियस का फ्रैक्चर क्या कहलाता है, पुलिस फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरापेटिक ड्रग, कीमोथेरापेटिक ड्रग का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? कीमोथेरापेटिक ड्रग हम किस में यूज़ करते हैं? कैंसर में यूज़ करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, फ्रिक्वेंट डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेनफुल माउथ सोर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा नोजिया एंड वॉमिटिंग सी। ठीक है, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कीमोथेरापेटिक ड्रग का? नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्वेश्चन नंबर 22। जेनाइटल हर्पीस सिंप्लेक्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, जेनाइटल हर्पीस सिंप्लेक्स है वो किसका कैंसर इंक्रीज, चांसेस इंक्रीज कर देता है रिस्क कैंसर के? सर्विक्स का, ओवेज का, यूट्रस का या वेजाइना का? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सर्विक्स का। जेनाइटल हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जो होता है किसका इंक्रीज रिस्क करता है? कैंसर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, मतलब उसका बॉर्डर जो है वो लॉन्गेस्ट है सबसे ज़्यादा? चाइना का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का या नेपाल का? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बांग्लादेश का क्या है बॉर्डर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। बेरी बेरी सिंड्रोम इज कॉज इन विच विटामिन डेफिशिएंसी, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी बेरी बेरी होता है? बेरी बेरी सिंड्रोम, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B1 या विटामिन B2? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। कॉमनेस साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का जो कॉपर टी है यूज़ करते हैं हम, उसका कॉमनेस साइड इफेक्ट क्या होता है? पेन, ब्लीडिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज या पेल्विस एग्जामिनेशन? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ब्लीडिंग क्या होता है कॉपर टी का
वो कमनेस साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, कपटी क्या होती है, हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, स्कॉच टेप स्वैब इज यूज टू आइडेंटिफाई इस। स्कॉच टेप स्वैब जो होता है वो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टेपवाम को, पिनवाम को, एंजियोस्टोमा को या हुकवाम को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी, पिनवाम को। स्कॉच टेप स्वैब किसके लिए यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, पिनवाम को। ठीक है, स्कॉच टेप टेस्ट रेफर टू द कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल फ्रॉम द स्किन अराउंड द एनस। जो एनस है उसके अराउंड से स्किन का हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट करते हैं, दिस टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई पिनवॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, गैमोफोबिया इज, गैमोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ क्लोज पैलेस, बंद पैलेस से डर लगना, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ डिवोर्स, फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फियर ऑफ मैरिज, मैरिज से डर लगना क्या कहलाता है, गैमोफोबिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द डेंजरस प्लाजेंटा प्रीविया इज, इसमें से कौन सा डेंजरस प्लाजेंटा प्रीविया है, कौन सा प्लाजेंटा प्रीविया क्या होता है, डेंजरस होता है, लो लैंग, टाइप 1 एंटीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर या मार्जिनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टाइप 2 पोस्टीरियर क्या होता है, डेंजरस प्लाजेंटा प्रीविया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। हम रेंज के लिए जो सीमा होती है उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एच प्लस एल, एल इंटू एच, एल माइनस एच या एच माइनस एल। इसका करेक्ट आंसर है डी, द रेंज इज इजीली कैलकुलेट बाय द सब्ट्रैक्ट द लोवेस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू इन द सेट। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से सब्ट्रैक्ट मतलब घटाते हैं हम लोवेस्ट वैल्यू को, ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है रेंज का। ओके, बैक मास वेंटिलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटर टू, किसके लिए, इनमें से किस कंडीशन के लिए बैक मास जो वेंटिलेटर होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, हम यूज़ नहीं करते हैं बैक मास, इनमें से किस कंडीशन के लिए, पॉलीसिस्टाइटिस किडनी के लिए, साइनोसिस के लिए या डायफ्रेगमेटिक हर्निया में या बर्थ एस्फेक्सिया में, किस कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, डायफ्रेगमेटिक हर्निया। ये देख लें आप, बैग मास वेंटिलेशन जिसे हम एम्बू बैग भी कहते हैं। ठीक है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया इज बर्थ डिफेक्ट वेयर देयर इज होल इन द डायफ्राम। अगर फ्रेंड आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपके लिए एम्स की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज लेके आएंगे अभी। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और शेयर करना ना भूले। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉच दिस। आज आपके 30 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए, हम जल्दी नया वीडियो लेके आएंगे। ओके।